कैसे आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है भारत के सारे राष्ट्रपतियों का नाम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने इसमें भारत के राष्ट्रपतियों का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं भारत के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के, मतलब करंट तक के राष्ट्रपति। तो ये हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 1950 से 1962 तक। और सेकंड राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। जाकिर हुसैन जो थर्ड राष्ट्रपति हैं भारत के, तो उनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। और वीवी गिरी जो भारत के फोर्थ राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। और फिफ्थ है फखरुद्दीन अली मेहमत, इनका कार्यकाल था 1974 से 1977 तक। और अगले हैं सिक्स्थ नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। और अगले हैं सेवंथ जो हैं जैल सिंह, तो इनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। अगले हैं रामस्वामी वेंकटरमन, तो इनका कार्यकाल था 1987 से 1992 तक। और अगले हैं नाइन्थ जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल है 1992 से 1997 तक। और अगले हैं के आर नारायण, सो इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम, सो इनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। और सो ट्वेल्थ नंबर पे आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सो ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। सो अगले हैं प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। और अभी जो करेंट राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। तो जो राष्ट्रपति बने हैं 2017 में, अब इनका कार्यकाल कितना रहेगा इसका अभी पता नहीं। तो अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ जो मैंने बनाई है। अब मैं आपको बता रही हूँ इनको लर्न करने की आसान ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज जावी फनी जेरा शंके और प्रमुरा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, रा का मतलब है राजेंद्र, और स का मतलब है सर्वपल्ली, और जा का मतलब है जाकिर हुसैन। तो ऐसे ही मैंने सारे राष्ट्रपतियों के नेम का फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिख दिया है, तो उसको मिला के ये पूरा सेंटेंस बनता है। राज जावी फनी जेरा शंके ए प्रमुख। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।